गर्मी की शुरुआत होते ही देवघर में देसी फ्रिज घड़े की दुकान सज गई है। हालांकि अभी ग्राहक की नहीं होने से बाजार में भीड़ गायब है। पिछले साल कोरोना के चलते घड़े का कारोबार प्रभावित हुआ था। कुम्हारों ने गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजार बढ़ने की उम्मीद जताई है। देवघर समेत प्रदेश में अप्रैल में ही गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। गर्मी की शुरुआत होते ही मिट्टी के बने घड़े का बाजार भी सज गया है, लेकिन ग्राहकी नहीं होने के कारण घड़े का बाजार सूना पड़ा हुआ है। दुकानदार बताते हैं कि दिन भर में इक्का दुक्का ग्राहक ही घड़ा खरीदने आते हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से इसका व्यापार चौपट हो गया था। राजधानी की सड़कों और चौक चौराहों पर कुम्हारों के बनाए गए मिट्टी के घरों का बाजार 10 दिन पहले सज गए हैं, लेकिन इन दुकानों में ग्राहक की फीकी है। इस बीच दुकानदार सरकार से भी मदद की मांग कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग चोरा नुका करके मिट्टी ला करके और बर्तन हम लोग बनाते हैं। बर्तन बनाने के समय हम लोग सावन महीना जब भट्ठा लगाते हैं तो भट्ठा हम लोगों का कच्चा रह जाता है, लकड़ी भी नहीं है, कोला भी महंगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, गरीब आदमी किसी तरह टिप टाप को झोपड़ी में आप लोग रखते हैं मिट्टी और बर्तन बना करके, बरसात होता है वो भी गल जाएगा और गलने को हम लोग भूखे मर जाते हैं ना। तो न हम लोगों का मजदूरा वाला काम होता है, न हम लोगों का मिट्टी वाला काम होता है। तो किसी तरह हम लोग गुजर आप लोगों का बेड़ा समय पार करके हम जा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं सरकार हम लोगों का किसी तरफ से हमको एगो बैरिंग वाला चाक दीजिए, मिट्टी का मटगढ़ा हमको मिट्टी उठाने का चाक नहीं दिया है। नहीं, हम लोगों का मिट्टी का वही मिट्टी वाला सीमेंट वाला चाक में गर रहे हैं।